आज हम बनाएंगे करेले गोश्त, आधा किलो गोश्त है, दो प्याज, दो टमाटर, लहसुन, चार हरी मिर्चें, नमक मिर्च हल्दी, और ये करेले हमने बना के इनका पानी खुश करके हमको यहाँ पे रख लिया। अब हम आगे बनाते हैं इसको। हमने प्याज भी काट लिया, टमाटर भी, हरी मिर्चें भी, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर दूँ सब कुछ इसमें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त। अभी इसमें नमक मिर्च हल्दी ऐड कर दूंगी और जो है 15 मिनट इसको प्रेशर दे दूंगी, एक गिलास पानी डाल के। इसमें ये गल जाएगा इंशाल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बॉईल हो के अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। प्रेशर करेले ब्राउन कर लेते हैं। अब इस ऑयल में हम करेले डाल के ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से इसका पानी खुश करके घी डाल के भून लेंगे। ये हमारे करेले ब्राउन हो रहे हैं, गोश्त का पानी खुश हो जाएगा, फिर हम घी डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा, अब इसमें एक जो है बड़ा सालन का चम्मच हमने घी डाल दिया, इसको अच्छे से भून लेंगे। करेले गोश्त चाहिए, हम इसको अब डिश आउट करेंगे। इसके हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। रेडी हो गया माशाल्लाह।